खानपुर विधानसभा की प्राथमिकताएं जो हैं उनमें सबसे पहले गंगा नदी का तटबंध है, बिजली पानी की सड़कों की बहुत समस्याएं हैं, पानी की जो निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, प्रकृति में जो भी घटित होता है वो तय है और मुझे लगता है कि मेरा वहाँ से चुनाव लड़ना भी तय था, इसीलिए मैं वहाँ पहुँचा। कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होती, ऐसे में साथ में ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने खानपुर में 3 महीने में वो कर दिखाया जो पिछले 5 सालों से वहाँ के विधायक नहीं करके दिखाए। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भाई पलता को बहुत बहुत बधाई आपको खानपुर से विधायक जीतने की। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक बन चुके हैं अब, आप विधानसभा जाएंगे तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी खानपुर विधानसभा के लिए? खानपुर विधानसभा की प्राथमिकताएँ जो हैं उनमें सबसे पहले गंगा नदी का तटबंध है, उसके बाद सोलानी नदी का तटबंध है, क्योंकि खादर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गंगा नदी का तटबंध है, जिसके चलते वहाँ किसान बहुत त्रस्त है। हज़ारों किसान इस समय पानी की समस्या से जूझता है, खेती नहीं हो पाती। इसके अलावा जो एक नदी से इस तरफ का क्षेत्र है वहाँ लंडोरा है, ढंडेरा है और क्षेत्र है, वहाँ की समस्याएं हैं कि वहाँ पर बिजली पानी की सड़कों की बहुत समस्याएं हैं, पानी की जो निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, लंडोरा में बिजली की बहुत समस्या है। तो क्षेत्र में 20 सालों में मुझे लगता नहीं कि कोई काम हो पाया है, तो कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, उसको सिलसिलेवार अब शुरू करेंगे और अंत तक पहुंचाएंगे। उमेश जी, क्या कुछ मन में आया कि खानपुर विधानसभा से आप आखिरी के 3 महीनों में यहाँ पर मैदान में उतरे, तो क्या रहा आपके मन में कि मैं खानपुर से चुनाव लड़ना चाहिए? प्रकृति में जो भी घटित होता है वो तय है और मुझे लगता है कि मेरा वहाँ से चुनाव लड़ना भी तय था, इसीलिए मैं वहाँ पहुँचा। 3.5 महीने पहले वहाँ पहुँचा, चुनाव लड़ा और जीत गए। तो जनता का चुनाव था, जनता ने लड़ा, 20 साल से त्रस्त जनता थी, राजशाही, तानाशाही, गुंडागर्दी, बाहुबल से त्रस्त जनता थी, उन्हें एक व्यक्ति ऐसा मिला जो गुंडागर्दी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठा सकता था और वो उसके पीछे हो गए और जनता ने चुनाव लड़ा, जनता जीती, जनता की जीत जनता को समर्पित। अगर आपने बात कही कि बाहुबली से लोग यहाँ पर त्रस्त थे, तो क्या कुछ परेशानियाँ आपको लगी यहाँ पर, जो विधायक 20 सालों से यहाँ पर राज कर रहा था उसकी तरफ से कोई परेशानी का यहाँ पे हुआ? देखिए, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं में दोनों पक्षों से आई, चाहे बसपा हो, चाहे ये प्रणव सिंह चैंपियन हो या रविंद्र पन्याला, दोनों ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमले करना, हमें मारने का प्रयास करने की धमकियां देना, जान से मारने का, और एक भय उत्पन्न करना कि हम छोड़कर भाग जाएं, लेकिन हम भी डटे रहे और लड़ते रहे और अंत में हमें जीत मिली। भाई, एक आखिरी संदेश उन लोगों के लिए जो तैयारी तो करते हैं, लोग जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं डर के मामले में कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ? जनता का भरोसा जीतिए, जनता का विश्वास जीतिए, जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को समझिए और सबसे पहले जो उनकी सबसे बड़ी समस्या हो जिस भी क्षेत्र की, उसका निराकरण करिए, जनता आपके पीछे अपने आप हो जाएगी।